क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। बच्चों देखिए, ये हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है वो हमने पढ़ाया, देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया, हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि भाई जो व्हीकल्स हेडलाइट्स सर्च लाइट्स ये सब होते हैं, तो यहाँ पे जो इनका रिफ्लेक्टर लगा होता है, बात समझिए। देखिए बच्चों, ये कार है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये दो हेडलाइट लगी हुई हैं। ये देखिए, ये जो सरफेस है ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये कॉनकेव है कि नहीं, देखिए अंदर ऐसे दबा हुआ है तो ये कॉनकेव है। अब अगर बच्चों ये इसका कॉनकेव है तो ये रिफ्लेक्टर है, क्या ये रिफ्लेक्टर, मतलब इस पर कहीं से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे बाहर फेंकेगा, मतलब बाहर आपकी तरफ फेंकेगा, और आप ऐसा सामने से आ रहे हो रात में तो मुझे दिखोगे मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, बात समझ में। तो देखो ये क्या है, ये कॉनकेव है, आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, एक बल्ब फिट किया, ठीक है, यहाँ कहीं कुछ सिस्टम होता है बल्ब फिट करने का, तो बल्ब जो फिट होगा बच्चों, जो बल्ब आता था याद करिए, वो लगभग कहाँ आता था, फोकस पे, हमने आपको बताया है क्लास में, कौन ये जो हेडलाइट्स होती हैं इसमें कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है, और जो बल्ब होता है वो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर के भाई इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, ठीक। इसी चीज़ को अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं बच्चों, तो ऐसे दिखाएंगे, देखिए ये और इसका फोकस यहाँ कहीं, याद आया, और यहीं पर आप बल्ब लगा देते थे, याद है या नहीं। अब बल्ब से ऐसे लाइट निकलती थी, ये देखिए बल्ब अगर लगभग फोकस पे रखा हुआ है बच्चों, तो फोकस से आती हुई लाइट रेस का क्या होता है बताइए, वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो बल्ब अगर हमने फोकस पे लगा दिया था, तो यहाँ से जैसे लाइट निकलती है रिफ्लेक्टर पे, जितनी लाइट टकराती है स्टूडेंट्स, वो लाइट टकरा कर, क्योंकि बल्ब फोकस पे रखा है तो पॉइंट सोर्स हमारा फोकस पे रखा है, लाइट सोर्स हमारा फोकस पे रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्टर पे टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सामने ऐसा पैरेलल हो जाती थी, सही है, यही हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक। यानी कि बल्ब कहाँ लगाना चाहिए, फोकस पे लगाना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन में ये दिया ही नहीं हुआ है कि बल्ब को फोकस पे रखा जाए। ऑप्शन में पता है आपको बोलेंगे कि बल्ब को फोकस के नियर रखा जाए, फोकस के पास रखा जाए। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, तो देखो बच्चों, अगर फोकस बल्ब फोकस पे रखा है कि नहीं रखा, ये वाला ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो बल्ब फोकस के नियर होना चाहिए, ये वाले ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। बात समझिए बच्चों, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना, जहाँ तक मेरी समझ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये फोकस है आपका, ठीक है। अब बल्ब एग्जैक्टली फोकस पे अगर हम ना रखें, ठीक है, और कहाँ रखें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, चाहे आप थोड़ा सा इधर रख दीजिए और चाहे थोड़ा सा इधर रख दीजिए, वैसे अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा फोकस के नियर, तो पता है क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि जो रेस बच्चों बिल्कुल पहले पैरेलल हो जाती थी, ऐसे पैरेलल ना होके थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी। तो देखो ये ऐसे पैरेलल आपस में ना होके बच्चों, ये ऐसे थोड़ा सा बच्चों, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे फैल जाएंगी, और भी जो रेज आ रही होंगी यहाँ से, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है बच्चों, अगर देखिए एग्जैक्टली पैरेलल हो जाती तो सामने से जब छोटी गाड़ी आ रही है, कोई सामने से कार आ रही है रात में, वो तो दिख जाएगी क्योंकि पैरेलल बीम उस पर पड़ी। लेकिन बड़ा सा जो ट्रक वगैरह नहीं होता है, जिसपे सामान खूब ऊपर रखा रहता है, उसका हाइट बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, तो सोचो अगर ये ऐसे फैलेंगी नहीं दूर जाके, तो बड़े वाले ट्रक को कैसे कवर करेंगे, है ना, ऊपर नीचे का पोर्शन पता लगा, दिखाई नहीं तो ठीक से दिखेगा नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि नियर द फोकस बल्ब को हम लगाएंगे। बाकी अगर ऑप्शन दिया होता कि फोकस पे बल्ब को लगाएंगे तब भी वो सही होता, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइट बीम्स बच्चों जो जा रही हैं, इसको डाइवर्स भी करवाना चाहते हैं, ताकि वो ऐसे जाके थोड़ा सा फैल जाए और थोड़ा सा बच्चों ऐसा सर्कुलर में आपको थोड़ा सा रीजन ज़्यादा कवर हो, है ना, बात समझ में। तो यही बोला जा रहा है, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में व्हीकल के जो बल्ब्स होते हैं वो कहाँ प्लेस होते हैं, तो बिटवीन द पोल एंड फोकस, बच्चों क्या पोल और फोकस के बीच में प्लेस होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो इन्होंने बात बोल दी ना, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ठीक है, तो ये देखिए ये पोल है और ये ऑप्शन पता है क्यों चला गया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यहाँ दिखाया है बल्ब को पोल और फोकस के बीच में, जी नहीं, बिटवीन का मतलब तो फिर वो कहीं पे भी हो जाएगा ना, अगर यहाँ लगा दिया बल्ब तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो ये ऑप्शन तो चला गया। उसके बाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, बी ऑप्शन, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के, ये जो रिफ्लेक्टर है कॉनकेव रिफ्लेक्टर, इसके फोकस के काफी नियर हमको लगाना चाहिए, हमने आपको बताया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों सी ऑप्शन क्या, बिटवीन द फोकस एंड द, अब
बच्चों आप सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, सारे केसेस भी आप पढ़ चुके हैं, आप इमेज बना के भी उसकी मतलब चेक कर सकते हो कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।